सो हे गाइस, सबको स्वागत है हमारे इस बॉलीवुड सॉन्ग रिमिक्स सीरीज के पार्ट 4 में। और इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आप सॉन्ग के लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लोगों ने हमारे चैनल को अभी फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा, उन लोगों को पता नहीं है कि हमारे चैनल पे ये एक बॉलीवुड सॉन्ग रिमिक्स का सीरीज चल रहा है और ये पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पहले वाले 3 पार्ट को नहीं देखा है, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। आप सिंपली पहले से 3rd पार्ट तक देख लीजिए, फिर 4th पार्ट पे आइए। और गाइज, मैं हूँ डीजेनिक, आई एम ए म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स एंड आई एम हियर टू शेयर माई म्यूजिक प्रोडक्शन स्किल्स विथ यू गाइज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन एंड FL स्टूडियो, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आज का ये वीडियो हम अभी शुरू करते हैं। तो गाइज, हमने पिछले वाले पार्ट में वोकल को एक्सट्रैक्ट किया था और उसको हमने प्रोसेस किया था हमारे रिमिक्स के लिए। तो गाइस, सिंपली मैंने यहाँ पे जो हमारा जो पहले पार्ट में हमने इसका टेम्पो एंड की डिटेक्ट किया था, उसमें दिखा रहा था ये सॉन्ग ए शार्प माइनर पे है। जैसे कि मैंने अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन म्यूजिक थ्योरी वाले वीडियो में आप सभी को बताया था कि आप कैसे म्यूजिकल स्केल्स को याद रखे बिना कॉर्ड बना सकते हैं, तो उसको आप पहले देख लीजिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे किसकी बारे में बात कर रहा हूँ। और गाइस, मैंने जब ये सीरीज़ स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि ये सीरीज़ 10 पार्ट से डिवाइडेड है, लेकिन ये मतलब मेरे को लगा कि अब मैं अगर जल्दी जल्दी आपको बता के चला जाऊँगा तो आपको सारे पार्ट नहीं समझ में आएंगे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट करूँगा और आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो में कॉर्ड प्रोग्रेशन, पेयर्स, बेस लाइन, प्लग्स, ये सब बना के दिखाऊँगा। उससे क्या होगा कि गाइज आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो मैं कॉर्ड के लिए, बेस लाइन के लिए, लीड के लिए और प्लग्स के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं। उसी तरह इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हम सॉन्ग के लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको म्यूजिक थ्योरी वाले ट्यूटोरियल में बताया था, अगर आपको नहीं आता है कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या फिर म्यूजिकल स्केल्स आपको याद नहीं, तो सिंपली यहाँ पे पिक्चर ले लेंगे एक, और जैसे कि हमारा सॉन्ग है ए शार्प माइनर पे, तो ए शार्प माइनर सिलेक्ट करेंगे, इसको डिटैच करेंगे यहाँ पे और इसको ऑफ कर देंगे। और गाइस, ये मेरा ट्रायल वर्जन है क्योंकि प्रोड्यूसर एडिशन में ये नहीं आता है। तो गाइस, तो हम अब चलते हैं, एक पियानो प्लगइन ऐड कर लेते हैं, मैं नेक्सस को यूज़ करूँगा, बहुत ही अच्छा प्लगइन है पियानो के लिए स्पेशली। तो गाइज, मैं सिंपली इस प्रीसेट को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पियानो। और इसको यहाँ पे मैं मिक्सर चैनल पे ले आता हूँ, क्योंकि गाइज मैंने जैसे ही आपको बताया था पहले लास्ट पार्ट में कि हम एक एक इंस्ट्रूमेंट को ऐड करेंगे, उसका वॉल्यूम एडजस्टमेंट करेंगे, उसका मिक्सिंग करेंगे, तभी हमको फाइनल में मास्टरिंग करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है गाइज, तो सिंपली इसको थोड़ा वॉल्यूम को डिक्रीज कर लेते हैं, गाने का भी थोड़ा कम कर लेंगे, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और हम चलते हैं अभी पियानो रोल पे। अब हम गाइस, हमको मिल चुका है हमारा रूट नोट ए शार्प। ठीक है, तो सिंपली ए शार्प पे एक नोट लेंगे, और जैसे कि ये गाना माइनर पे है तो माइनर का रूल होता है 1, 3 एंड 7, तो पहला नोट, फिर 3rd नोट 1, 2, 3, फिर 7th नोट 4, 5, 6, 7, तो ये हो गया हमारा ए शार्प माइनर का पहला कॉर्ड, ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ठीक है, तो अब हम गाने को सुनेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, फुल कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, गाने को सुनेंगे। ये भी ना जाने, वो भी ना जाने। तो जैसे ही गाइस आप सुन सकते हैं गाने में पहला पार्ट जब आ रहा है, फिर दूसरे बार में वो वॉइस पिच डाउन जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, तो हम सिंपली कॉर्ड प्रोग्रेशन को रूट नोट के नीचे वाले की से बनाना शुरू करेंगे।
सिंपली मैं क्या करूँगा, जब भी हम कोड प्रोग्रेशन बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर पहले वाला की यूज़ हुआ है, जैसे कि हमारा यहाँ पे ए शार्प यूज़ हो चुका है, तो हम सिंपली उसके नीचे वाले की को यूज़ करेंगे गाने के अनुसार, तो हम जी शार्प को यूज़ नहीं करेंगे, हम एफ शार्प को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एफ शार्प पे ले चलते हैं इस सारे कोड प्रोग्रेशन को। ठीक है, और गाइस यहाँ पे हमारा ए आ रहा है कोड प्रोग्रेशन में, लेकिन यहाँ पर ए हाईलाइटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे ए यूज नहीं होगा, ए शार्प यूज होगा। देखते हैं हमारे गाने के साथ सूट कर रहा है या नहीं। ये भी ना जाने, वो भी ना जाने। बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छे से सूट हो रहा है। तो अब हम आगे वाले पार्ट को सुनते हैं और सुनते हैं कि वॉइस डाउन जा रहा है या फिर अप जा रहा है। ये भी ना जाने, वो भी ना जाने, नैनो के। तो ये गाने को ऊपर ऊपर लेके जा रहा है, वो जो सिंगर है वो वॉइस को ऊपर लेके जा रहा है, तो सिंपली हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ए शार्प यूज हो चुका है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, ऊपर जा रहा है, तो सिंपली सी को छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक नोट को छोड़ेंगे, उसके दूसरे वाले नोट को यूज करेंगे, तो सी शार्प पे लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, तो सी शार्प, एफ, जी शार्प, तो ये सारे तीनों नोट्स यहाँ पे है, तो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन एकदम ठीक है। और सिंपली इसको हम नीचे लेके चलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है आगे क्या आने वाला है, सिंपली हम जी शार्प पे लेके चलते हैं, सी, जी शार्प। ठीक है, हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन बन चुका है, अभी इसको सुनते हैं गाने के साथ। देख सकते हैं कोड प्रोग्रेशन एकदम अच्छे से मैच हो रहा है सॉन्ग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइज मैं आप सभी को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, मतलब इतना भी एडवांस ट्रिक नहीं है, लेकिन बहुत काम का है। तो सिंपली आपने कोड प्रोग्रेशन बना दिया है तीन नोट्स को यूज़ करके, आप बीच वाले सारे नोट्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस अप एरो बटन को प्रेस करेंगे, जिससे कि ये एक ऑक्टेव ऊपर चला जाएगा, जिससे कि ये थोड़ा मतलब प्रोफेशनल साउंड करेंगे। आप सुन लीजिए कैसा साउंड कर रहा है अभी। तो गाइस हमारा यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बन चुका है, और गाइस हम अभी पियानो को मिक्स करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं जब भी कोई भी ट्यूटोरियल पे कोई भी चीज़ बनाऊंगा, उसको उसी ट्यूटोरियल पे मिक्स करूंगा, ठीक है, ताकि हमको फाइनल मास्टरिंग करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो सिंपली आप जो भी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उसका जो इनबिल्ट डिले एंड रिवर्ब है उसको रिमूव कर दीजिए, मैंने पहले से करके रखा है, फिर उसको यहाँ पे लेके आइए, इसको वॉल्यूम थोड़ा आप अपने हिसाब से चूज़ करिए, और पैरामेट्रिक EQ टू लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा इसका लो एंड जो है उसको कट करूँगा, क्योंकि हमारा जो सब बेस होगा वो उसको मतलब क्लैश करेगा उसके साथ, तो हम इसको सिंपली मैं इसको थोड़ा 100 हर्ट्ज तक इसको कट करता हूँ। ठीक है, अभी सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। और गाइस सिंपली मैं यहाँ पे एक रिवर्ब ऐड करूँगा, फिल्टर प्रो आर को यूज़ करता हूँ मैं, और इसको कम करता हूँ। आप फ्रूटी रिवर्ब 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और एक डिले ऐड करूँगा, डिले 2 को ड्राई कम कर दूँ, नहीं ड्राई नहीं को सेट करें, वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा कम करूँगा, पिंक कॉम पे सेट करूँगा। तो ये था हमारा सिंपल मिक्सिंग पियानो के लिए। अब सुनते हैं गाने के साथ कैसे साउंड कर रहा है।
तो गाइज यह था हमारा आज का ट्यूटोरियल कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बना दिया है, दूसरे पार्ट में बात करेंगे इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को यूज़ करके पेयर साउंड, स्ट्रिंग्स, ये सब कैसे बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।